राजधानी में शराब तस्करी के लिए हर रोज नए नए तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बार शराब तस्करी का जो मामला सामने आया है उसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। केंद्र और बिहार की सत्ता को संभाल रही भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले विदेशी शराब की तस्करी राजधानी में की जा रही है। शातिर तस्कर बीजेपी के पहचान वाले झंडे का इस्तेमाल कर रहे थे। गाड़ी पर बीजेपी का झंडा लगाकर ये लोग तस्करी करते थे। पूरा मामला पटना के बुद्धा कॉलोनी का है, जिसके बाद पुलिस टीम ने एक स्कॉर्पियो को पकड़ा। स्कॉर्पियो के आगे बीजेपी का झंडा लगा हुआ था, इसमें दो लोग सवार थे। गाड़ी के अंदर से पुलिस टीम ने 48.420 लीटर विदेशी शराब की एक पूरी खेप बरामद की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसके बारे में अभी पुष्टि नहीं कर सकते हैं। अभी गाड़ी का ओनर कौन था, गाड़ी का चालक कौन है, उसका हम लोग अभी वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उसका सत्यापन कर रहे हैं, उसके बाद ही कुछ पुष्टि की जा सकेगी। कितनी बोतल शराब बरामद हुई? 48 लीटर की शराब की बरामद की है, विदेशी शराब है। कैश 47,160 रुपए है। दो लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। ये शराब कहाँ से लाते थे और क्या करते थे, नशे की हालत में भी इनको पाया गया? ये नशे की हालत में थे और कहाँ से लेके आ रहे थे अभी नहीं बताया इन्होंने, ये पूछताछ जारी है। उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हम लोगों ने भेजा है, क्योंकि अभी शराब की हालत में पाए गए हैं। उसके बाद जब लेकर आएंगे तब उनसे और पूछताछ की जाएगी। कौन सी गाड़ी थी सर? स्कॉर्पियो गाड़ी है। उसमें कौन पार्टी का झंडा लगा हुआ था? इसमें एक छोटा सा झंडा लगा हुआ था, हरे कलर का झंडा है। अभी किस पार्टी का है? पार्टी का नाम ही लिखा हुआ है, इसका लोग देखेंगे, जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा। सब कहाँ से मतलब पकड़ाया सब? ये बुद्धा कॉलोनी थाने में पड़ता है, मंदिरी नाला है, वहीं पे चेकिंग के दौरान पता चला है।